तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। अब दिवाली तो तुम लोग ने जम के मचाई होगी, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि तुमने दिवाली पे क्या क्या किया। मैं जानने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। वेल, तुम देख सकते हो कि अपन खेल रहे हैं नया वाला मोड, और भाई सच बता रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता इसमें क्या होता है। अब देखो यार, काफी सारे बंदे लड़ तो रहे हैं, बट यार लूट वगैरह कुछ ढंग के नहीं है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि करा क्या जाए। तो अपन इधर किल चुरा रहे थे मस्त, क्योंकि करने के लिए और कुछ था नहीं। तो यहां पर फटाफट सबको नॉक फिनिश करने के बाद मुझे लगा था कि शायद ये जगह खाली हो चुकी है, बट ऐसा नहीं था। अब देखो, तुम सबको तो पता ही है कि इधर अपने कंट्रोल वगैरह तो सेट नहीं है यार, तो हाथ बिल्कुल भी सेट नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन शायद हाथ सेट हो जाएगा, बिकॉज तुमको पता है यार कि आप कंट्रोल कोड्स को कॉपी नहीं कर सकते हो। और सच बताऊं तो मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती, बिकॉज यार देखो, सेंसी कॉपी करना फिर भी आसान होता है, बट कंट्रोल्स कॉपी करना भाई बहुत बहुत मुश्किल काम होता है भाई, क्योंकि कुछ ना कुछ मिसिंग रहता ही है, और ज्यादातर आप जॉयस्टिक से सेटिस्फाइड नहीं रहते हो। वेल, क्या ही कर सकते हैं, हो सकता है कुछ दिन लगेंगे हाथ बैठने में, तब तक तो काम चलाना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ क्या होता है, कैसे यहाँ पर लूट मिलती है, यहाँ पर कितने बंदे आते हैं, कहाँ उतरना चाहिए, मुझे पता नहीं है। क्योंकि भाई पहले तो क्लियर कट था कि जहाँ पर हाई लूट एरिया होता था वहाँ उतर जाओ, वहीं सब आते थे, तो वहाँ तो हिसाब किताब बढ़िया था। बट यहाँ देख रहे हो, बंदे कहीं पर भी उतर रहे हैं यार। वेल, जो भी हो, आप लोग जरा मेरे को ये बताना कि आप लोगों ने ये वाला मोड खेला है या फिर नहीं। मेरे को मतलब ये हैलोवीन वाला हिसाब किताब बढ़िया लगता है हमेशा, क्योंकि डरावनी चीज़ें मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा ही पसंद आती हैं। जिसने मेरा पेस्टिसाइड का वीडियो देख रखा है उसे पता होगा। वेल, जो भी हो, यहाँ पर मैंने एक को तो भर दिया, उसके बाद फिनिश भी कर दिया। अब देखो, यहाँ पर मेरे को ज़्यादा लूट तो चाहिए थी नहीं, क्योंकि जो बेसिक लूट थी ना वो हो गई थी। तो पता नहीं ये क्लाउन था क्या था, जो भी हो, मैंने उसको भर दिया, इससे मेरे को थोड़ी और लूट मिल गई। और तभी मेरे को सामने बंदे दिखाई दिए, ये वही बंदे थे जो डांसिया लेके भागे थे। पता नहीं क्यों यार, यहाँ पर गन भी ऐसा लगता है थोड़ा अलग तरीके से चल रही है। अब यहाँ पर देखो, इसको तो भर दिया क्योंकि ओपन में आ रहा था, अब यहाँ से जा ही रहा था कि यहाँ पर मेरे को और बंदे मिल गए। अब यार ये गाड़ी वाले मेरे सामने आए, तो मेरे को लगा था कि अब ये बस इधर ही गाड़ी मोड़ेंगे और मेरे को तो किल्स ही किल्स मिलेंगे, बट यार ये तो निकल गए यार। लेकिन फिर भी सच्ची बोलूँ ना मैं, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे को यहाँ 10 किल मिलेंगे। मैं तो ये सोच रहा था यहाँ से थोड़ा लूट लेके बंदे को ढूंढने निकलूंगा, बट यहाँ मेरे को ऑलरेडी 10 किल मिल गए। यहाँ पर और बंदे हैं, बट वो पहुँच से थोड़ी दूर है। तो यहाँ पर मैंने एक गाड़ी उठाई गरीब में से, और उसी बंदे को मारने गया जो बच गया था अभी भी। अब देखो, अगर ये जगह तुमको थोड़ी सी जानी पहचानी नहीं लग रही है, तो भैया देखो, पबजी पीसी की तरह इसमें भी आई थिंक शायद डॉग्स आ चुके हैं जिन पे फेरी चलती रहती होगी। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी है ना, कि उन फीचर्स के बारे में जो कि मैं चाहता हूँ कि विजिमाई में आ जाए, तो उनमें मैंने इस चीज़ को कवर करा था। अब मेरे को अभी तो कोई फेरी तो नहीं दिखी चलती हुई इधर, बट हाँ डॉग लग ही रहा है मेरे को ये। अब देखो, यहाँ पर मैंने एक बंदे को भर दिया था, मेरे पीछे भयानक लड़ाई हो रही थी, लेकिन यार सामने एक बंदा था जो पिक नहीं ले रहा था। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि यार उसके चक्कर में क्या ही बैठा रहूंगा, गाड़ी लेके वहां चलता हूँ जहाँ तगड़े से लड़ाई हो रही है। अब अपन जब इधर आए ना, तो भाई ऐसा लगा जैसे सन्नाटा हो एकदम, कोई फायरिंग नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रही थी। और जब मैं यहाँ से थोड़ा सा दूर था ना भाई, कुत्ते की तरह लड़ रहे थे लोग। यहाँ पर मेरे को एक फ्री किल मिला, तो मैं तो इधर बहुत खुश हो गया। लेकिन मुझे पता था यहाँ पर बंदे खत्म नहीं हुए हैं, यहाँ पर अभी बहुत बंदे बच रहे हैं, बस मेरे को पेशेंस के साथ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओ भाई, मैं सिर्फ किल चुरा रहा हूँ पता, भाई इतने नॉक बंदे कहाँ से आ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लोगों ने फिनिश करना छोड़ दिया है क्या?
अब यार ये नॉक तो हो गया, बट ये निकलेगा न्यूज़ बाउंड्री के पीछे से, क्योंकि उसको भी पता है वो बाहर निकलेगा तो मैं फिनिश कर दूंगा। तो मैंने उसको फिलहाल के लिए उधर इग्नोर कर दिया, क्योंकि मेरे को यार किसी के फुटस्टेप तो इधर आ रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था वो है कहाँ। अरे यार क्या किस्मत है इस बंदे की भाई, एक गोली का है। और तभी यहाँ पर एक दासी आई। अब देखो मुझे पता था कि ये बंदा जो है थ्री स्टोरी में जाएगा, हील लगाएगा और फिर वहां से मेरे ऊपर नेट्स डालेगा, और ये चीज मैं होने नहीं देने वाला था। अब भाई मॉली फेंकने जा रहा था यार, बट मैं पहले उधर फायर करने लगा तो उससे मॉली वही गिर गया। अब पता नहीं उसको आग लगी या नहीं लगी, लेकिन हाँ अब मैं इनको निचोड़ूंगा। आग लगी थी इसके, बेचारा हील कर रहा था। पर जो भी वो, इन दोनों को मैंने बहुत ही मजे लेके भरा। और तभी यहाँ पर वो डासी आई जो मेरे को अभी दिखी थी थोड़ी देर पहले। बट यार ये डासिया तो निकल गई, मुझे लगा था ये मेरे ऊपर रश करने आएंगे, तो मैं इधर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ, लेकिन भाई ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि बंदे अभी यहाँ पर हैं। अब यार ये बंदे दिख तो रहे पर पता नहीं क्यों इनकी गोली लग नहीं रही थी, तो मैं इन पे रश करने गया। अरे अरे प्रोन भाई, प्रोन ही नहीं हो रहा। और ये बंदा यहाँ ओपन में क्या कर रहा था भाई, ये मेरी गाड़ी को क्या ताक के बैठा हुआ था क्या, कि मैं जैसी गाड़ी लेने आऊंगा मार देगा। पर जो भी मैं वहीं उतरा, मैंने अपना ही डब्बा लूटा, अपनी गाड़ी उठा के यहाँ पर आया, और जिस बंदे मेरे को मारा था वो मेरे ऊपर फायर कर रहा है। पर जो भी, मैंने उसे फिलहाल के लिए इग्नोर कर दिया, बिकॉज उसने पहले फुटस्टेप नहीं दिए थे, तो मेरे को लगा था कि शायद वहाँ से चला गया, तो मैं इस कंपाउंड में आ गया। और यहाँ पर भी बंदे थे तो मैंने सोचा पहले इनको ठिकाने लगा देता हूँ, फिर बाद में उसको जाके आराम से मारेंगे। अब देखो यहाँ पर दो बंदों का मेरे को साउंड आया था, और दोनों सामने वाले शैक के पीछे थे, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि मैं उनके ऊपर पुश कैसे करूँ यार, क्योंकि अगर मैं बाहर निकला तो ये टीपी भी लेके मेरे को मार देंगे। ओ भाई इसने क्या पुश करा है फटाक से, मैं एकदम रेडी नहीं था इसके लिए। वेल जो भी हो, किसी तरीके से मैंने इसको मार दिया। लेकिन अब बारी उन लोगों की थी जो मेरे पर फायर कर रहे थे, लेकिन यार एक बंदा एएमआर भी चला रहा था और मुझे उसकी लोकेशन नहीं पता थी वो किधर है, तो भाई यहाँ पर मुझे बहुत डर लग रहा था। एक बार मैं AWM से सामना कर लूंगा, बट AMR नहीं। अब ये भाई साहब तो पेड़ के पीछे छुप गए, लेकिन तभी जिस बंदे को यहाँ पर मैंने मारा था ना, वो रिस्पॉन हुआ। शायद ये बंदा वही था, मैं श्योर नहीं हूँ, बट जो भी हो मेरे को एक फ्री किल मिल गई, और उसके बाद ये भाई साहब भी मेरे को दिखे गए। किसी से बचने की कोशिश कर रहे थे, हत्ते मेरे चढ़ गए। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी देर और डीपी पी लिया, लेकिन मेरे को कोई दिखाई नहीं दिया, तो मैं गाड़ी लेके आया जोन में। अब मुझे पता था भाई कि ये पूरे जोन में वन ऑफ द बेस्ट कंपाउंड है, तो सब यहीं आने वाले, तो बस मेरे को इस पोजीशन को होल्ड करना था, और आराम से मेरे इतने किल होंगे ना कि मौज आ जाएगी। अब जब मैं पहुंचा तो सामने देखो फायरिंग हो रही है, तो मुझे पता था कि वहां दो टीम्स हैं, एक टीम तो यही कंपाउंड में, दूसरी टीम कहीं आगे होगी, तो लड़ाई हो रही उनके बीच में। फिर मैंने निकाला एक ग्रेनेड, और बस तुम ये देखो भाई, चुम्मा नेड इसे बोलते हैं। ये हुई फ्री की किल। अब देखो क्योंकि ये बंदा डायरेक्ट फिनिश हुआ था, तो मैं समझ गया उधर कोई स्क्वाड नहीं, तो एक कंपाउंड जो था ये अब सिक्योर था, तो मेरे को इधर ध्यान नहीं देना था, बस लोगों को मेरे को दूर दूर हंट करना था। तो फटाफट मैंने थोड़ा सा एमो मंगा लिया, उसके बाद देखो सामने जो गाड़ी खड़ी ना, वहां से ऊपर वो जो केव होती ना, वहां पर क्रॉस फायर चल रहा है। अब मैंने एक नॉक निकाल दिया, उसके बाद मैं सोचा इसको फिनिश कर देता हूं। भाई यही बंदे को मैं ढूंढ रहा था इतनी देर से।